कलाम एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान महबूब बारीगड्डी। आप देख रहे हैं कलाम एक्सप्रेस न्यूज। आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, जो नीचे दिख रहा हुआ लाल बत्ती का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, उसके बाद भी बेल आइकन भी आता है, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पाइए, क्योंकि जो हमें नए नए लेटेस्ट न्यूज भेजते हैं आप सबसे पहले देख सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं महबूब बारीगड्डी, आप देख रहे हैं कलाम एक्सप्रेस न्यूज। अभी हमारे सामने बागलकोट जिला रबकवी बनहट्टी तालुक के बनहट्टी शहर के जाने वाले हमारे अबू बकर बुरलवसूर, इनकी बेटी जो पीएसआई एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हुई है, आईएम से हम यहां तक जो पहुंचे हैं, ये बच्ची के साथ हम थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे उनसे सादिया, जानेंगे कि इनके एजुकेशन के बारे में, इनके फैमिली के बारे में, और जो यहां तक जो पहुंचे हैं क्या क्या तकलीफें उठाए हैं, आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सादिया। हमारे कलाम एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया आपका। और जो हमारा जो पहला सवाल रहा, आप जो हैं बागलकोट जिले के अंदर जो बनहट्टी शहर का नाम बहुत रोशन किया, क्योंकि आपने ये पीएसआई जो हमारे मुस्लिम समाज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर बहुत से बच्चे ये पोस्ट के अंदर बहुत से कम जाते हैं, आप यहां तक पहुंचे हैं, आपके फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बताएं पहले। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इस फील्ड को इसलिए चुना क्योंकि फैमिली का बहुत सपोर्ट था और मेरे पेरेंट्स का यकीन मुझ पे और मेरे भाइयों का सपोर्ट, सो इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन पीएसआई इस पोस्ट पे जाऊंगी। तो मेरे भैया ने बताया, अगर तुम पहले तो मेरा एम था कि मैं केएस असिस्टेंट कमिश्नर बनूं, तो वो नोटिफिकेशन थोड़ा डिले होता है, 3 साल या 4 साल के एक बार नोटिफिकेशन इसकी आती है। तो मेरे भैया ने कहा, क्यों ना तुम पीएसआई को ट्राई क्यों नहीं करती। तब मेरे दिमाग में आया, तो अगर मेरे फैमिली का ही इतना सपोर्ट है तो मैं क्यों पीछे चली जाऊँ, सो इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना। और जो है आपका कैरियर जो है एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई, जो प्राइमरी का कहाँ से शुरू हुई और हाई स्कूल सेक्शन कहाँ शुरू हुआ और कॉलेज सेक्शन के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। पहले तो मेरी प्राइमरी उर्दू नंबर 1 स्कूल बनहट्टी में हुई है, उसके बाद मैंने एसआरए हाई स्कूल में 10th तक की पढ़ाई की, उसके बाद गवर्नमेंट पीयू कॉलेज बनहट्टी से मैंने 2nd पीयू कंप्लीट किया, उसके बाद इधर एसपीसी कॉलेज में मैंने अपनी ग्रेजुएशन हासिल की। आप कितने अभी पीएसआई जो कितने रैंक से आप ले हैं? फिलहाल तो मेरा रैंक है 62 ऑल ओवर कर्नाटका इन वुमेन कैटेगरी, तो 62 रैंक आया है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इसलिए उतनी अच्छी रैंक नहीं आई है, इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सादिया, अब ये जो यहाँ तक आपने पहुँचा है तो ये क्रेडिट किससे देना चाहेंगे आप? मैं इसका क्रेडिट जरूर मेरे पेरेंट्स को देना चाहूंगी और मेरे भाइयों को और फ्रेंड्स को, सभी ने बहुत सपोर्ट किया, तो इसका क्रेडिट सभी को जाता है, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। और जो है हमारे मुस्लिम बच्ची जो मुस्लिम समाज खास कर को जो प्राइमरी में जाते ही हमारी बच्चियों को स्कूल आगे जाने के लिए मना कर देते हैं, इस मना करने का क्या तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे मम्मी और फादर ने क्या कुछ कहा था? हाई स्कूल सेक्शन जाने के लिए रोका था क्या, पढ़ने के लिए आपको स्कोप दिया था? हमारे यहाँ पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं एक्चुअली मेरे अब्बू जान वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनके पास इतनी नॉलेज है कि
जो पढ़ा लिखा आदमी भी उनको कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो मैं कहूंगी कभी मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ कि तुम स्कूल नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत आगे भी बढ़ाया और कभी हमें कुछ करने से रोका भी नहीं। और हमारे घर वालों की जो आइडियोलॉजी है वो दूसरी मुस्लिम फैमिली से थोड़ा डिफरेंट है, मुझे मेरे हिसाब से लगता है, वरना ये मुझे फील्ड पे जाने नहीं देते। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत फैमिली का सपोर्ट मिला, दोस्तों का सपोर्ट मिला और पूरी हमारी आज फैमिली, आज हमारे हमारी आवाम जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और जो आगे क्या बनना चाहेंगे आप? इंशाल्लाह मैं जरूर एक दिन असिस्टेंट कमिश्नर जरूर बनूंगी, ये मेरा बचपन का सपना है। तो मैं इसके बाद अभी असिस्टेंट कमिश्नर बनने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ये हमारे कलाम एक्सप्रेस न्यूज चैनल की तरफ से भी आपको आपके लिए हम दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह आप असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए। और जो है ये जो आवाम को जो आप हमारे जो बच्चियां जो हाई स्कूल सेक्शन के अंदर ही खत्म कर देते हैं हमारे जो पेरेंट्स खासकर मुस्लिम समाज के बहुत, और इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बोले तो हमारी जो बच्ची लड़कियों को जो पढ़ाना हाई स्कूल सेक्शन में क्यों खत्म करते हैं? बस रोटी पकाना है औरत को, कुछ करना नहीं है, क्या सबको क्या करना है, ये बात अक्सर बोलते रहते हैं हमारे मुस्लिम जवान मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। इस ये जो बात के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स का भी उतना हक बनता है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनको अच्छी तालीम दे और तो और अच्छी स्कूलों में डाले, उनका पढ़ाई पर ध्यान दे। तो हमारे यहाँ हमारे कम्युनिटी में होता है कि बच्चियाँ जब 6th 7th होने के बाद उनको अक्सर स्कूल से जाने के लिए मना कर दिया जाता है। तो ऐसे मैं उनको कहना चाहूँगी उन पेरेंट्स को, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें, क्योंकि आज हम अपने बच्चों को नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम अपने देश में मुसलमानों का नाम कैसे लाएंगे। तो मेरा उनका यही कहना है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उनको अच्छी तालीम दें। और जो सादिया जो बच्ची जो है 62 रैंक लेकर जो PSI सिलेक्शन हुआ है, इस खुशी में हमारे अबू बकर बोलो सर को जो खुशी कैसा जाहिर करते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अपनी औलाद कौन भी हो अपना अच्छा ही सोचता है, अच्छा किस लिए सोचता है कि हम पढ़े लिखे नहीं, जो आने वाले औलाद तो कम से कम सीख कर मुसलमान का हो, अपना कौम का हो, अपने बस्ती का हो, सब नाम रोशन करेंगे, इनके देकर दूसरों की सिखाना का एक मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हमारे उम्मीद है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान देकर उनको जब आगे पीछे कर कर नजर रखे, उनको पढ़ाई करे तो बहुत अच्छी बात है। आपकी बच्ची बगैर कोचिंग के भी यहाँ तक जो 62 रैंक लेकर जो सिलेक्शन हुए, इसका राज क्या है? देखो मेरा बेटा इसकी सी बहुत बड़ा शहर है, इसलिए कि उन्होंने भी अभी तक ड्रेस पहनने वाला हो, ये लॉकडाउन की वजह से उसका जरा ये हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह उसके हो जाएगा IAS कोचिंग कराया हो। और उन्हें कोचिंग इसको देख बाद वो लड़की आगे आई है और इंशाल्लाह आजकल वो भी बने। आपके भाई यूनुस से आप कोचिंग लेकर जो यहाँ तक पहुंचे हैं, आपके भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर अगर मैं अपने भाई के बारे में बताना चाहूँ तो सब कम पड़ जाएगा आज। तो मैं इस दुनिया में आज सबसे ज्यादा खुश है तो मेरा भाई है, वो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं की, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस दी कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कौन से भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करूं। सो इसलिए मैंने वहीं से जो उसने मुझे मटेरियल बताए थे उसको फॉलो किया, जो उसने ट्रैक बताया था उसको फॉलो किया। तो मेरे लिए आज इतना बड़ा दिन है तो मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई की वजह से है। शुक्रिया अभी तक न्यूज चैनल में अभी तक हमारे बनहट्टी शहर के जाने माने अबू बकर बुरलोसुर, इनकी लड़की जो PSI एग्जाम के अंदर 62 रैंक लेकर जो सिलेक्शन हुई है, अभी तक हमारे साथ बात करने के लिए।